हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हर हर महादेव, जय माता दी। आज जो है बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज जो है हमारे घोगा चौक पर जो है नवरात्रि का कलश यात्रा है। जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल के भांति इस साल भी जो है हमारे घोगा चौक पर मेला लगेगा और जो है आज कलश यात्रा है। दोस्तों आज सभी आप सबको दिखाते हैं अभी क्या क्या तैयारी हो रहा है, पर से इस साल क्या हटके है क्या नहीं है, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें और चलिए दिखाते हैं। और आप लोग जो है जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा पूरा फुल कलश यात्रा के साथ में आएगा। और अभी जो है फिलहाल आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो है जल्द से जल्द आने का कष्ट करें यहाँ पे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पीछे की बहुत सारे लड़कियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे और तैयारी जोरों से चल रहा है। आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताइए कि हाँ चल रहा है। फिलहाल चलिए इस साल जो है मूर्ति किधर रहेगी आप सबको दिखाते हैं, तो आइए तो देखिए इस साल जो है मूर्ति का स्थान इधर होगा, जो कि पर साल जो है वहाँ पे था और इस साल जो है इधर होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है उतना स्पेस नहीं है, मतलब वहाँ जगह नहीं है उतना अभी यार। और इस साल जो है इधर जगह बनाया गया है रखने के लिए मूर्ति। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं, जो एक भैया हैं। तो भैया स्वागत है आपका, आज के बहुत ही खुशी का दिन है, क्या कहिएगा आज जो है घोगा चौक पे आज कलश यात्रा है। हम लोग यहाँ प्रत्येक साल आज 2017 से आज तक प्रत्येक साल यहाँ पे दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। जी जी, बहुत बड़ा, बहुत भव्य रूप में यहाँ पे कलश यात्रा भी निकलेगा। और पर साल से जो इस साल क्या सब हट के तैयारी है, पर साल क्या था और इस साल हट के क्या है? पिछला साल यहाँ पे, पिछला साल भी बेटर था, उससे भी अच्छा से अच्छा व्यवस्था किया गया है और उससे हटके ही हुआ है। अब की बार दुर्गा जी का जो प्रतिमा है सब चलने वाला है जी, इस साल जो है चलने वाला बन रहा है। और इसमें कलश यात्रा कलश जो है कितना आ रहा है इस साल? कलश अब हो इस साल कम से कम 1000 प्लस ही देख सकते हैं, 1000 प्लस ही कलश यात्रा निकलेगा। उसके साथ कलश का कमी के कारण, नहीं तो कलश अगर उपलब्ध होते यहाँ पे 1500-2000 से भी ऊपर हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। पर साल कितना कलश था कुछ याद है? पिछला साल लगभग 500 प्लस था, इस साल अचानक बहुत ही ज्यादा। पिछले साल 500 कहाँ था, 500 से ज्यादा था? ज्यादा था, कम नहीं था। पर साल ज्यादा था, इस साल कम हुआ है, पर साल ज्यादा था। लेकिन इस साल भी बच्ची सबका जनसंख्या देखते हुए कलश का कमी यहाँ पे महसूस किया जा रहा है। यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पे बच्चियों का कमी नहीं है, कलश का कमी है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है लेट से दिया गया, इसके कारण नहीं बन पाया उतना। लेकिन यहाँ पे समझिए तो लड़कियाँ की कमी नहीं है, बहुत सारे हम लोग के एरिया में बहुत लड़कियाँ है, इतना मतलब कि कलश कम पड़ जा रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे बच्चियाँ आ गई है। अभी आप लोग देखे हैं कैमरा में कि अभी सब लोग जो आ ही रहा है, और आप लोग से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे आइए, क्योंकि ये वीडियो जल्द ही छूटने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। फुल ब्लॉग जो है आप सबको कलश यात्रा के साथ में शाम को मिलेगा, जो कि आप लोग को देखने में बहुत ही मजा आएगा, भव्य तरीके से हमारे घोगा चौक पे हर साल होता है। क्या भैया आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में है और यहाँ पे। और एक बात है, प्रोग्राम का क्या सब व्यवस्था है नवरात्रि में? नवरात्रि पूरा 10 के 10 दिन, कल से एकम से पूरा 10 दिन रामलीला, जो हमारे चौबे टोला का बहुत ही भव्य रूप से, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाने वाले लोग हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ रामलीला पूरा 10 दिन होगा। बहुत माता बहन का भीड़ होता है यहाँ पे, वो भीड़ होता है कि जगह नहीं रहता है बैठने के लिए, उस तरह का भीड़ रहता है। अभी भी लोग में जागरूकता है पूजा और रामायण के लेकर, यहाँ पर इतना भीड़ होता है कि जगह नहीं रहता है। यहाँ पर कमेटी के सदस्य लोग ऐसा व्यवस्था करता है कि मैंने बैठने के लिए अलग से व्यवस्था, सब A to Z व्यवस्था रहता है, फिर भी मैंने बहुत लोग, आधा से ज़्यादा लोग खड़ा होकर देखते हैं, फिर भी लोग में संतुष्टि रहता है कि हाँ हम आए यहाँ पे और मैंने कुछ दान पुण्य भी करते हैं, लोग बहुत सारा यहाँ पे आते हैं, लोग देखते हैं, लोग मेला भी अच्छा खासा लगता है, मेला में भी कहीं कमी नहीं होता है। आप लोग से भी निवेदन है, आइए और यहाँ का मेला का आनंद लें। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 10 दिन आइए और 10 दिन का मजा लीजिए। हाँ, 10 दिन जो है मजा लीजिए। रामलीला खत्म होने के बाद एकादश के दिन हमारे पूज्य जो मुखिया जी हैं, गार्जियन तुल हैं, वो अपने तरफ से
गिरीश लाल मुखिया जी जो इस समय अभी तो नहीं है, पूर्व मुखिया थे हमारे घोघा पंचायत के, घोघा पंचायत के पूर्व मुखिया थे, उनके तरफ से एक जागरण प्रोग्राम का, जो कि समझिए कि फिल्म दुनिया से काम किए हुए लोग, मतलब कि एक्टर आएंगे, हाँ एक्टर एक्टर आएंगे, आप लोग आएंगे, मतलब कलाकार देखने को मिलेंगे। अगले दिन यानी कि द्वादश के दिन हमारे हमारे ही गांव के अरविंद लाल यादव जी का प्रोग्राम है और उनके साथ तमाम कलाकार आएंगे लोग, और साथ में जो मुजफ्फरपुर की झांकी है, झांकी भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे झांकी देखने के लिए लोग सुबह 4 बजे 5 बजे तक बैठे ही रह जाते हैं लोग प्रोग्राम देखने के लिए, 4-5-6 बज जाता है उस समय, हम लोग जबरदस्ती शो को बंद किया जाता है, इतना भीड़ होता है उस समय तक, 5 बजे 6 बजे तक लोग बैठा ही रह जाता है प्रोग्राम देखने के लिए, बहुत सुंदर लगता है। धन्यवाद इतना सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आप सबको अगर इसमें से कोई भी एक प्रोग्राम अच्छा लगता है एक बार हम कहेंगे जरूर आइए, वरना 10 के 10 हम बोलेंगे कि आप लोग आइए। और यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया तरह से तैयारी होता है हर साल और बहुत मज़ा आता है, आप लोग एक बार जरूर आइए अगर नहीं आते हैं कभी तो। चलिए आप सबको दिखाते हैं एक बार चारों तरफ से कि यहाँ पे क्या सब तैयारी हो गया है, और उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा मुझे लगता है कि वीडियो हो गया है। तो चलिए, और इधर है उधर जो है क्या क्या सब पंडाल बना है, मुझे लगता है कि 5-6 मिनट का वीडियो हो गया। ये देखिए सब लोग जो है आए हुए हैं कलश यात्रा में जाने के लिए, और देखिए ये यहाँ पे मेन रोड है बेतिया जाने वाला, देखिए उधर जो है प्रोग्राम होगा और इधर जो है सब लोग बैठ कर देखेंगे, और मूर्ति रखने का व्यवस्था जो है इधर होगा, इधर हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको यह वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए कि बताइए कि यहाँ पे चालू हो गया प्रोग्राम, और देखिए यहाँ पे बाजा भी आना स्टार्ट हो गया। तो हम इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, बाय।